आप लोग सबसे पहले मेरा नाम जान लीजिए और मेरा काम जान लीजिए, क्या मैं करता हूँ। मेरा नाम राकेश पांडे है, मेरा नाम राकेश पांडे है। मैं बहुत खतरनाक रोगा हूँ, मेरा ट्रांसफर अभी इंडिया में हुआ है, मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूँ। मैं जिस बारे में जाता हूँ मुझे उनको मारता मारते मैं सो जाता हूँ, सो के जाता हूँ फिर मना दूर कर देता हूँ। मैं जिस मुलजिम को मार देता हूँ जीता तो है मगर जीतने के लायक नहीं था। मैं अब जगतपुर थाने में आया हूँ, देखता हूँ यहाँ पे ना कोई सिपाही है ना कोई चौकीदार है। सिपाही तो चलो घर में चला गया होगा, चौकीदार बहुत बड़ी वाला नहीं आया है, तो क्या करता है। अच्छा शुद्ध भाषा, हाँ शुद्ध भाषा। अभी मैं हिंदुस्तान में आया हूँ, हिंदी बोलना कम जानता हूँ। चलिए बता, जब से मैं आया हूँ थाने में तो बहुत कम आता है, क्या करता है घर पे। कमाई साहेब क्या बताए, घरे लड़का खेला है सुख से दुख होते भी कहे से हमारे मेहरारू को लड़का बा का सब खाना ना बनाए नहीं पाया। लड़का खेला है तो हमारे में हर खाना बनावे वही खा पी के चली थी सर। तनखा लेता है थाने से और काम करता है घर का। अरे साहब ये थाने जान हमका पेमेंट मिला था ये हमारे दरुए में कम पाई गया। कबे जो तनखा तो पास सब पिया था है। हाँ साहब, कोई और बिजनेस तरह होगा ना। हाँ बिजनेस तो है साहब। क्या करता बता। घर पे हम बिजनेस खोल रखे हैं, मतलब साहब हम 40-40 जानवर पाल रखे हैं। 40 जानवर? जी साहब। यार बहुत बड़ा आदमी है तू। खेती ज्यादा होगा फिर का साहेब। 40 जानवर के अपने हम सुने सोचत है करे पास 10-20 बीघा खेत हुई तमाम जगह हुई बड़ा आदमी बा। साहेब हमारे खेत एक हिस्सा नहीं बा। जब खेत एक भिस्सा नहीं चारा भूसा कहाँ जाता है इनका। साहब चारा भूसा का दम सहलावा। साहेब 15x25 के कमरा बनवाए उन्हें 40 जानवर बन गए। साहेब बात यह चारा का सुबह उठते हैं 5 बजे आँखी मीजा आँखी मीजा दूधी थी साहेब दरवाजा साहब दरवाजा। अरे तो ऐसा बोलो बहुत गरीब वाले मैं उसका मकान का गेट खोल देता हूँ। साहब मकान का गेट खोल रही थी जानवर निकल के भर 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 जानवर भर 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 भगे जा रहे हैं पीछे से हम भी लाठी लेके। पीछे पीछे
लिए भागता रहता है, उनका पेट भर जाता है। अबे चल ये बता तेरा नाम क्या है और तेरी जात कौन सी है बे? हमारी जात आप हमारे हैसियत से पहचान लो। ठाकुर होगा ना? ठाकुर कौन सी जात होती है साहब? अबे ठाकुर सबसे बड़ी जात है ना, इससे भी ऊंची जात। यार फिर तो ब्राह्मण होगा ना, से ऊंची जात। मौर्या होगा फिर यार तू? मौर्या वो जो पालक वगैरह नहीं साहब, उससे भी ऊंची जात। हाँ साहब आओ चलते हैं गच्च में।
मरीज को बुलाओ, उसे पूछते हैं कि कैसी तबीयत है उसकी। ठीक है भैया, बैठिए मैं बुला रहा हूँ। अरे भैया जी, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। ये कैसी तबीयत है बाबा आपकी? डॉक्टर साहब, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो दवा दिया हूँ उसको समय समय से लेते रहना। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात ही पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? कि मैं यहाँ तक आया कैसे, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, जब आप जानना चाहते हैं कि मेरे यहाँ तक कैसे पहुंचा, तो मैं बता रहा हूँ, सुने मेरी बात। देखो, मैं अपने क्लिनिक पर था और मेरी बहन मेरे लिए खाना लेकर के आ रही थी। हाँ, जो आपको लेकर के आई मेरे पास, वो मेरी बहन थी जिसका नाम शीला है। तो रास्ते में कोई जगत नाम का गुंडा उसे छेड़ रहा था, तो अचानक आप वहां पर पहुंचे और मेरी बहन की इज्जत आपने बचाई। तो मेरी बहन को ध्यान हुआ कि ये मेरी इज्जत बचाई है और ये पागल है, क्यों ना मैं अपने भैया के पास लेकर चलूं। मेरे भैया डॉक्टर हैं, इनका इलाज करेंगे, हो सकता है कि ये ठीक हो जाएं। इस तरीके से आप मेरे पास पहुंचे और मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहते हैं साहब? सुने, yeah।
मैं कानपुर का रहने वाला हूं। मेरी माँ का नाम कमला रानी है और एक मुझसे बड़े भैया हैं जिनका नाम प्रभु कुमार मिश्रा। अच्छी बात है। देखो विनोद, मेरी बहन शीला ने आपको मेरे पास लेकर के आई पागल हालत में। लेकिन साहब, आपने जो एहसान मेरे साथ किया है, मैं इस एहसान को जिंदगी तक नहीं भूल पाऊंगा कब। नहीं विनोद, ऐसी बात नहीं है, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। एक जो डॉक्टर का फर्ज होता है वो डॉक्टर करता है, जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में। ये तो सही है सब। हाँ, और देखो मैंने आपका इलाज किया हूँ और आप ठीक भी हुए हैं, लेकिन इससे पहले मैंने आपका सीटी स्कैन किया हूँ। लेकिन हुआ क्या था सब? लेकिन उसमें आपके शरीर के अंदर से पॉइजन पाया गया था, यानी कि जहर। घबराने की बात नहीं विनोद, अब ये तो अब उसमें आकर के आपने खुद जहर खा लिया होगा या तो किसी ने खिला दिया होगा। नहीं साहब, मुझे बस इतना ही ध्यान है कि मैं खेतों में काम करके घर अपने गया तो माँ मेरी खाना बनाकर रखी, पेट में खाना खाया। इसके बाद मुझे ध्यान नहीं है कि मुझे क्या हो गया। बैठा जाए ना। हाँ, ये देखिए हमारे गोविंदा भैया आ गए, जो कि इस सीट पर आपके ऊपर खुश होकर आपके लिए 11,000 रुपये भेजे हुए हैं। भैया गोपाल जी की तरफ से हार्दिक स्वागत है, वो अभिनंदन करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि आप कुछ पढ़े लिखे हैं? हाँ सर, मैं बीए फर्स्ट ईयर भी किया हूँ साहब। लंदन की तैयारी मैंने भी किया था, लेकिन ईश्वर ने साथ नहीं दिया, आज यहाँ पर मुझे लाकर इस मोड़। अच्छी बात है। संजय, क्या बात है भैया? तो यार, मैं जो एम सीला ने इनको लेकर के आई। हाँ। और मैंने इनका इलाज किया और क्या, बिल्कुल ठीक है। हाँ। और ये अच्छे घर से भी लग रहे हैं। हाँ संजय, और मेरी बहन क्या सोचकर मेरे पास लेकर के आई वो तो बहन ही बता सकती है, लेकिन इससे भी जानकारी ले लूं और बहन शीला से भी, अगर ये राजी हो जाते हैं क्यों ना बहन शीला की शादी इनके साथ कर दिया जाए। एक शीला भी ठीक, जोड़ी नंबर एक का जमी, लेकिन भैया जोड़ी के जमी पता नहीं बियाह करे हो तो लड़ जा। पहले तो उससे पूछताछ किया जाएगा ना, उसके बाद भी आप बात आगे होगी। और क्या, ठीक है, पहले तो पूछ लो, उसके बाद मैं तो बात करता हूँ। पूछ ले रहा हूँ। अरे ओ हर्षा, बोलिए। अच्छा ये बताइए आपका नाप क्या है? मेरा नाप 5.5 इंच होगी, 5.5 फुट और 5 इंच। अरे वो नहीं असिया वाला नाप क्या कहते हैं यार उसको, ये तो हमको हिंदी आता नहीं, इंग्लिश अच्छा, आता। अच्छा मैं समझ गया, तुम तो कहना क्या चाहते हो। हाँ हाँ। यानी आपका कहने का मतलब मेरा नाम क्या है? हाँ, आपका नाम क्या है? मछुआ तो आप सही हो तो सही बोलते। मेरा नाम विनोद कुमार है। ओहो, विनोद कुमार। हाँ। कहीं बात पढ़े लिखो छुच्छी इंसान दिखते हो। छुच्छे नहीं, साइकिल की ट्यूब को हेरे रहा है। शिक्षित कहा जाता है, शिक्षित लिखते हो। अच्छा ये बताइए आप कितने तक पढ़ लिखे हो? मैं भी फर्स्ट ईयर किया हूँ। बीए फर्स्ट ईयर। अच्छा आपकी शादी हो गया? तुम्हें लग रहा है कि मेरी शादी हो गई? नहीं पूछ रहा हूँ। और क्या? नहीं भाई साहब, शादी नहीं हुआ है। बगैर मैं अपने माँ के आगे शादी कैसे कर सकता? जब आपका शादी नहीं हुआ है तो आपके पास 2-4 बच्चे जरूर होंगे। बिना ब्याह है तो 2-4 लड़का हो गई है। अलैले तो खिलावा, इधर आओ। तुम्हारा दिमाग, मैं तो ठीक होएगा, मुझे लग रहा तुम पागल हो जाओगे। अरे यार भैया, मुख से निकल के तो वापस तो नहीं होगा भैया।
डॉक्टर साहब के साथ कंपाउंडिंग करते तो खुद ही पागल हो जाता है। नहीं डॉक्टर साहब, हम खुद ही शादी नहीं हुई है। नहीं शादी नहीं हुआ है। चलो कोई बात नहीं, पागल हो जाओ। अच्छा ये भाइयो अच्छी बात है, इंग्लिश पढ़े लड़का बढ़िया पढ़े लिखे बा। हाँ समझे, शादी बिया नहीं भगा। लड़का राजी हो गया जान ला बिटी के लगे बिट्टी के साथ एक शादी हो जाई। भैया का बिया नहीं में पूछा काजनी कसम साहब यहाँ काजनी करवाई कर रहे। विनोद जी साहब, देखो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन जो बात कहने जा रहा हूँ ये बात ऐसा मत सोचना है कि डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किया है, इस एहसान के तले ये बात कह रहे हैं। नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं, आप बोलिए जो कुछ कहना है। विनोद, अगर तुम्हारी रजामंदी हो मैं अपनी बहन शीला की शादी आपके साथ कर देना चाहता हूं, और इसमें लेन देन की बात मत सोचना, जो भी रीति रिवाज के हिसाब से जो भी दहेज है मैं पूरी दहेज देने की कोशिश करूंगा। मेरी जिंदगी ना बचाई होती तो शायद मैं इस दहेज के नाम पर क्या कर देता कि शायद ये आप भी नहीं बता पाते। दहेज लेना और दहेज देना महापाप है। मैं दहेज लोभियों से बहुत नफरत करता हूं। कभी कभी जब सुनाई देता है कि दहेज के कारण मां बहन हमारी समाज में बेटियों को सताया जा रहा है तो मैं सोचता हूँ मुझे गोली मार दिया जाए खड़ा करा के। वाह संजय, मुझे दहेज से सख्त नफरत है डॉक्टर साहब। देखो ये दहेज के बहुत ही विद्रोही हैं। और क्या, लेकिन विनोद आप जैसे इंसान अगर इस धरती पर हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ दहेज नाम की चीज ही खत्म हो जाए। ये बात तो सही साहब, अच्छी बात है। इंसान हर एक तरीके नहीं रहता। हाँ विनोद ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं, शादी से राजी है?